हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक केमिकल कंपनी बताऊंगा। अभी बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। आप इस कंपनी का 100 शेयर खरीदते हो और 20-25 साल होल्ड करते हो तो 25-50 करोड़, 100 करोड़ कहीं नहीं गया है। और देखिए, कंपाउंडिंग का जो फायदा है वो आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा। छोटी कंपनी पैसा कैसे बनता है, माइक्रो कैप कंपनी पैसे कैसे बनते हैं? आप अगर किसी छोटी कंपनी में 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10,000 रुपए लगाते हैं, स्टॉक अगर डबल होता है तो 10 का 20 बनेगा, फिर से स्टॉक अगर डबल होता है तो 20 का 40 बनेगा, फिर से अगर स्टॉक डबल होता है तो 40 का 80 बनेगा, और इसी तरह आपके पैसे बनते जाएंगे। और आप लोग को पता है कि माइक्रो कैप कंपनी एक ही साल में आपका पैसा 5-6 गुना भी कर देता है, लेकिन 25-50% का करेक्शन भी हो जाता है। आप लोग अगर बॉम्बे सुपर हाइब्रिड में पैसे लगाए होंगे तो आपको इस समय 200% मिल रहा होगा। और मान लीजिए कि यहीं से स्टॉक गिरना स्टार्ट हो जाए, 50% स्टॉक गिर जाए, तो भैया आपको जो 200% मिल रहा है वो 100% ही दिखाई देगा। तो आप लोग को ऐसा फील होगा कि मैं प्रॉफिट बुक नहीं किया। लेकिन छोटी कंपनी को हीरो या जीरो के तौर पे जगह दिया जाता है। अगर स्टॉक डबल ट्रिपल हो गया है कुछ ही दिनों में, आप अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो जो आप इन्वेस्टमेंट किए वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपने प्रॉफिट बनाया है उसे तो छोड़ना ही पड़ेगा अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं। तो मेरा मानना है आप 10-15 माइक्रो कैप कंपनी खरीदेंगे, 25 माइक्रो कैप कंपनी खरीदेंगे, 25 में पैसा आपका नहीं डूब सकता। मैं 10 माइक्रो कैप कंपनी बताऊंगा तो 10 में से 8 में आपका पैसा बनेगा और 3-4 कंपनी आगे चल के लार्ज कैप कंपनी बनेगी। 1-2 कंपनी भी आपका पैसा अगर 50-100 गुना कर देता है आने वाले 20 सालों में, 15 सालों में, 25 सालों में, तो आपका पैसा बन गया। भले आप छोटा ही इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किए थे, लेकिन आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन मुझे पता है 25 साल किसी के पास समय नहीं है, 15-20 साल किसी के पास भी समय नहीं है, होल्ड कर ही नहीं पाएंगे। और कोई स्टॉक अगर 50-100 गुना होता है तो भैया रातों रात तो होगा नहीं, उससे पहले कई बार करेक्शन होगा, कई सालों तक स्टॉक नहीं चलेगा। इतना आसानी से तो आप पैसे बना नहीं लेंगे। जो इन्फोसिस को होल्ड किए हैं आज के डेट पैसे बना रहे हैं, जो विप्रो को होल्ड किए हैं वो आज के डेट पैसे बना रहे हैं, जो रिलायंस को होल्ड किए हैं आज के डेट पैसे बना रहे हैं, जो टीसीएस को होल्ड किए हैं वो आज के डेट पैसे बना रहे हैं। तो भैया ये जो कंपनी है उसका नाम है सिक्को इंडस्ट्री, इनका भैया एग्रो केमिकल का बिजनेस है। और देखिए, इस टाइप की कंपनी में आज से पैसा नहीं बन रहा है, सालों से पैसा बन रहा है। मेरे पास भारत रसायन का शेयर था, अभी भी है, एक्सेल क्रॉप केयर का मेरे पास शेयर था, उसके बदले में मुझे सुमितमो केमिकल इंडिया का शेयर मिला। मैं इस कंपनी पे बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूं, आप लोग को मैं पुराने वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। तो ये वीडियो मैं 23 अगस्त 2022 को बनाया था। यहाँ पे आप थंबनेल में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, शेयर का दाम अभी 90 रुपया है, माइक्रो कैप से लार्ज कैप कंपनी बनेगा, टारगेट 25,000, महंगा होने से पहले उठा लो। तो भैया 25,000 लार्ज कैप कंपनी रातों रात नहीं बनेगा और ना ही हमारे कहने से बनेगा। कंपनी को अच्छा रिजल्ट पेश करना पड़ेगा। बजाज फाइनेंस अच्छा रिजल्ट पेश की, आज के में लार्ज कैप कंपनी है। किस प्राइस से वीडियो बनाया था आप लोग का वीडियो प्ले करके भी दिखाना चाहूंगा। तो ये वीडियो में 92 रुपए के प्राइस से बनाया था 23 अगस्त 2022 को। और भैया एक बार इस कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन भी हो चुका है, यहाँ पे आप कॉर्पोरेट एक्शन में देख सकते हो 1:2 का बोनस दिया गया था, रिकॉर्ड डेट 28 अक्टूबर 2022। भैया मेरी वीडियो बनाने के बाद इस कंपनी में एक बार कॉर्पोरेट एक्शन भी हो चुका है। और एक बात मैं और भी आप लोग कहना चाहूंगा, मैं तो इस कंपनी पे 23 अगस्त 2022 को वीडियो बनाया था 92 रुपए के प्राइस पे और एक बार कॉर्पोरेट एक्शन हो चुका है। लेकिन भैया मेरी वीडियो बनाने से पहले भी एक बार कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था और आगे भी कॉर्पोरेट एक्शन होगा। बोनस स्प्लिट होंगे। जब मैं इस कंपनी पे 92 रुपया के प्राइस से वीडियो बना रहा था, मुझे कई लोग बोले थे, कमेंट किए थे कि स्टॉक बहुत चला हुआ है। तो भैया देखिए, ये स्टॉक हम जब वीडियो नहीं बनाए थे उससे पहले भी चल रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं तो भैया 23 अगस्त 2022 को बनाया था, लेकिन उससे पहले भी तो स्टॉक चल रहे थे भाई ना। तो अगर आप लोग ये सोचे कि बहुत चला हुआ स्टॉक है मैं नहीं खरीदूंगा, तो भैया इस तरह से तो आप पैसे कभी नहीं बना पाएंगे। मेरे को अभी 70% मिल रहा है। तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आप अगर ये सोचे कि बहुत चला हुआ स्टॉक है, वहां से और भी स्टॉक चल जाएंगे। और इन कंपनियों में आपको एवरेज और SIP तो करना नहीं है। तो जो भी आपको पैसे लगाने हैं 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 वो लगा दीजिए।
कंपनी अगर अच्छी होंगी तो आप पैसे बना लेंगे, और अगर कंपनी खराब होंगी तो जो आप पैसे लगाए हैं वो आपका चला जाएगा। और वैसे भी इन कंपनियों में आपको ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप ज्यादा पैसा नहीं लगाने देते हैं, तो देखो भैया हम इस मार्केट में 12 सालों से हैं। माइक्रो कैप कंपनी जब चलता है तो सभी को अच्छा ही लगता है, और आपको ऐसा कई बार लगेगा कि मैं सारा पैसा इन्हीं में लगा दूं, और लोग लगाते भी हैं, मुझे भी पता है, पर शायद आपको ये पता नहीं है कि इन कंपनियों को कौन चलाता है। भैया इन कंपनियों को प्रमोटर चलाते हैं, बड़े प्लेयर चलाते हैं। तो अगर कोई दिक्कत होता है, आप 10 लाख 5 लाख लगा देते हैं, फिर तो आप फंस सकते हैं ना, और जब फंसिएगा तो गाली किसको दीजिएगा, हम ही को दीजिएगा ना, क्योंकि मैं ही तो बताया हूं। और क्या मैं खुद इन कंपनियों में बड़ा पैसा लगाता हूं? नहीं लगाता भाई। मेरे पास कितने शेयर है मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास भैया 300 शेयर है, और उसमें से मुझे 70% मिल रहा है। बोनस स्प्लिट होने से पहले खरीदा था, या तो मेरे पैसे बनेंगे या फिर जीरो होगा। तो हम इस स्टॉक को हीरो या जीरो के तौर पर जगह दिए हैं। अब देखिए लॉट वाली कंपनी तो है नहीं कि आपको पूरा लॉट खरीदना है, हम लॉट वाली कंपनी पैसे लगाते हैं, लेकिन वो मजबूरी है कि मुझे पूरा लॉट ही खरीदना पड़ेगा। मुझे कोर मॉल अच्छा लग रहा था, मैं पैसे लगाया, मुझे प्राइम फ्रेश अच्छा लगा था, मैं पैसे लगाया, मुझे इंस्टॉलेशन एनर्जी अच्छा लगा था, मैं पैसे लगाया, लेकिन मैं एक लॉट वाली कंपनी पैसा नहीं लगाया हूं, 5 लॉट वाली कंपनी पैसा लगाया हूं। और देखिए मैं आप लोग को इसलिए बताया कि मैं 300 शेयर खरीदा हूं, ताकि आप लोग को पता हो कि मैं भी छोटी कंपनी में छोटा इन्वेस्टमेंट करता हूं। बॉम्बे सुपर हाइब्रिड का मेरे पास ज्यादा शेयर नहीं है, मैं कितना शेयर है मैं आपको इस बता दे रहा हूं, 300 शेयर है। हीरो या जीरो के तौर पर जगह दिया हूं। आप लोग भी अगर लिमिट में कोई स्टॉक खरीदेंगे ना तो उसे आप होल्ड कर पाएंगे, आप अगर ज्यादा पोजीशन बना लेंगे तो आप डर के बेच देंगे, क्योंकि स्टॉक में तो करेक्शन होगा भाई ना, और होना ही है। ऐसी कौन सी कंपनी जिसमें करेक्शन नहीं होता, परेशान नहीं करता है, पर आप लिमिट में खरीदेंगे तो आप डरेंगे नहीं। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का। कॉन्टेक्ट कीजिए मुझसे, पेड सर्विस चाहिए तो। 100 शेयर खरीदते हो सिक्को इंडस्ट्री का, तो 20-25 सालों में आप अच्छे खासे पैसे बना लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो प्रिंसिपल अमाउंट जो मैं रखा हूँ वो 10,000 रुपया रखा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 60%। तो देखिए जब भी मैं इस कंपनी में पहले वीडियो बनाया हूँ सिक्को इंडस्ट्री पे, तो मैं 60% ही रिटर्न रखा हूँ। बॉम्बे सुपर हाइब्रिड पे मैं जब भी वीडियो बनाया हूँ तो मैं 60% ही रखा हूँ, इससे कम रखने का कोई मतलब नहीं है। और इन कंपनी में पैसे भी लगाइए तो सिर्फ डबल करने के लिए पैसा बिल्कुल ही मत लगाइए, अनलिमिटेड टारगेट रखिए, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। आप जो सपना देखे हैं ना कि मैं बड़ा पैसा बना पाऊंगा, वो नहीं बन पाएगा, 20 साल बाद भी नहीं बन पाएगा। जो सच है वो सच है, कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। टाइम पीरियड में रखा हूं 25 ईयर्स, और आप यहाँ पे रिटर्न देख लो भाई 126 करोड़, और ये 126 करोड़ 25 साल में बनेंगे। आप अगर इस समय जवान है, आपके बाल अगर काले हैं तो उजले हो जाएंगे, मेरे भी बाल उजले हो जाएंगे, दाढ़ी भी व्हाइट हो जाएगा, और किस तरह से रिटर्न मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हो। आप जितना समय देंगे आपका पैसा उतना ही बनेगा। 20 साल में आप देख सकते हो भाई 12 करोड़ रुपया है, तो आप जितना समय देंगे ना उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। कंपाउंडिंग का फायदा हमेशा लॉन्ग टर्म में मिलता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि पैसा तो बनेगा नहीं। कोई स्टॉक अगर नहीं चलता है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। भैया आप 20 साल बाद पैसे बना के निकलेंगे, अगर आप खरीद के भूलते हैं तो इतनी भी आपकी किस्मत खराब नहीं होगी कि आप 25 कंपनी खरीदेंगे 2500 कंपनी पैसा डूब जाएगा, ऐसा नहीं होता। पैसे बनाने के लिए एक कंपनी काफी है, तो खरीद के भूलना सीखिए। मान लीजिए कि सिक्को इंडस्ट्री में पैसा डूब गया, ठीक है डूब गया, मेरे पास 300 शेयर हैं, अभी 70% रिटर्न मिल रहे हैं, स्टॉक अगर जीरो रहता है ठीक है पैसा डूब जाएगा, लेकिन क्या बॉम्बे सुपर हैबिट में पैसा डूब जाएगा, यसो में पैसा डूब जाएगा, कैमकस में पैसा डूब जाएगा, मैं जो भी खरीदा हूँ भाई ना सभी में पैसा डूब जाएगा, कोरमाइल में पैसा डूब जाएगा, इंसुलेशन एनर्जी में पैसा डूब जाएगा, और भी जो मैं छोटी छोटी कंपनी खरीदा हूँ सभी क्या डूब जाने वाले हैं, जो भी मैं बड़ी कंपनी का शेयर खरीदा हूँ सभी में पैसे डूब जाएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता। तो पैसे जो बनेंगे इन्वेस्टमेंट करके वो लॉन्ग टर्म ही बनेंगे, तो खरीद के भूलना भी सीखिए। प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जो आप कैपिटल लगाए वो आप निकाल लीजिए। कोई अगर बिजनेस कर रहा है, किसी का छोटा मोटा दुकान है, जो प्रॉफिट हो रहा है उसे निकालता ही गया, उसे मार्केट में लगाए नहीं, तो फिर वो धंधा कैसे बढ़ेगा, वो बिजनेस कैसे बढ़ेगा। और छोटी कंपनी में टारगेट हमेशा अनलिमिटेड रखिए, हीरो या जीरो के तौर पर जगह दीजिए, एक ही कंपनी आपका पैसा कई गुना कर देगा। 2-4 कंपनी फेल भी हो गया फिर भी आप पैसे बना लेंगे। और मेरा एक्यूरेसी भी चेक कीजिए, वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी की वीडियो देख के पैसे लगाते हैं तो, वैसे मैं आप लोग को बताते रहता हूं, मैं 10 माइक्रो कैप कंपनी बताऊंगा तो 10 में पैसा ही बनेगा, 10 में से 8 में पैसा बनेगा, और 3-4 कंपनी आगे चल के लार्ज कैप कंपनी बनेगी, और कुछ कंपनी 200-300% चलने के बाद 50-60% करेक्शन होगा। ये सब चीज मैं आप लोग को बताते रहता हूँ, आज से नहीं सालों से बता रहा हूँ। और ये सब चीज मैं इसलिए बताता हूँ
क्योंकि जब आपको पता होगा कि कंपनी कैसे चलेगी, किस तरह से परफॉर्म करेगा, तो फिर आप बेचेंगे नहीं, फिर आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे। सभी लोग मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे, उनको इंट्राडे फ्री में दिया जाएगा। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल नहीं पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी पैसा लगाएं, तभी जाके आपका पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में। धन्यवाद।